नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों में सफर के दौरान के कुछ जरूरी नियमों के बारे में। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में सफर करने वाले हैं तो आपको यह खबर जरूर जाननी चाहिए। अब चलती ट्रेन में रात के 10 बजे के बाद यात्री को मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, तेज आवाज में गाना भी नहीं सुन सकेंगे। बता दें कि यात्रियों को अक्सर इसकी परेशानी होती थी, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की। यात्रियों को रात में नींद आने में परेशानी हो रही थी, ऐसे में सफर जो है काफी मुश्किल होता जा रहा था। अब इधर रेलवे ने यात्रियों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने कहा कि यात्रियों के इस तरह की अक्सर शिकायतें मिलने के कारण इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान रात्रि में आपस में मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने या फिर गाना सुनने से बचने की सलाह दी गई है, ताकि सहयात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि रात के 10 बजे के बाद फोकस लाइट को छोड़कर केबिन की अन्य लाइट के प्रयोग न करें और रात्रि 10 बजे के बाद कोच में आपस में वार्तालाप के दौरान सहयात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए भी यात्रियों को विशेष अनुरोध करते हुए टिकट चेकिंग स्टाफ, रेल सुरक्षा बल, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। रात्रि में कार्य निष्पादन के दौरान अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का शोरगुल और अन्य आवाज न करने के लिए भी यात्रियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, रेल कर्मियों को खुद भी इसके प्रति सजग रहने की बात कही गई है। बताया गया है कि नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब आसपास के कोई भी यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकता और ना ही तेज गाना सुन सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वरीय नागरिक, दिव्यांग जन और अकेले यात्री कर रही महिला यात्रियों को रेल कर्मियों द्वारा जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद भी पहुंचाई जाएगी। रेल यात्रियों को सफर के दौरान इन नियमों को तो जान लेना चाहिए, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप ट्रेन में सामान लेकर सफर करते हैं तो फटाफट इस नियम के बारे में आप जान लें। ट्रेन में सफर के दौरान आप कितना सामान लेकर जा सकते हैं इसके बारे में जो है आप जान लें, नहीं तो आने वाले समय में जो है अगर आप ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप अपने तय सामान से ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं तो आपको 6 गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे के नियम के अनुसार आप एक तय सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि कौन से क्लास में आप कितना सामान लेकर जा सकते हैं। बता दें कि यात्रियों को अधिकतम 50 किलोग्राम तक का सामान लेकर जा सकते हैं। अगर किसी यात्री के पास इससे अधिक सामान है तो रेलवे नियम के अनुसार उसे अलग अलग किराया देना पड़ सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी उनको लगेगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि AC कोच में सफर कर रहे हैं तो आप 70 किलोग्राम तक का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ साथ यह भी कहा गया कि अगर आप स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं तो आपको जो है 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा सामान ले जाने पर आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे, आपको जो है पेनल्टी के रूप में पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर आप यात्रा के दौरान विस्फोटक या फिर ज्वलनशील पदार्थ, अगर आप एक तो पहले रेलवे ने यह भी कहा कि आप इसे ले नहीं जा सकते, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ ऐसे यात्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो रेलवे के ये कुछ नियम है जो कि जिसमें कि बदलाव किया गया है। साथ साथ सामान लेकर जाने से लेकर आप अगर अपने केबिन में हैं तो उसमें जो है आपसे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, बातचीत को लेकर या फिर मोबाइल में तेज गाना बजाने को लेकर अगर इस तरह की समस्या होती है तो आप पर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।